हेलो दोस्तों, आप सभी का सवाल है, आप सभी के जवाब भी हैं। लगातार उम्मीदवार कमेंट कर रहे हैं कि सर, हमारे इतने नंबर आने पर भी हमने एक साल पूरा वेट किया, पर NHM ने जिस तरह का कट ऑफ जारी किया या जो भी स्कोर जारी किए वो स्कोर बहुत ही ज़्यादा गलत निकले। हमारे इतने नंबर थे तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इस बात को लेकर उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। तो दोस्तों, जो उम्मीदवार अपने अच्छे नंबर पर भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए हैं वो उम्मीदवार बिल्कुल ही निराश ना होए। कम से कम दोस्तों 3000 प्लस यहाँ पर आप सभी की वेटिंग लिस्ट आएगी, यह कंफर्म न्यूज़ आप मानिए। और इस बात का मैं आप सभी को पूरे तरह से प्रूफ भी दोस्तों यहाँ पर दूंगा कि वेटिंग लिस्ट क्यों जारी होगी और कैसे जारी होगी, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया है कि आप सभी ANM के उम्मीदवार भी निराश ना होए या स्टाफ नर्सिंग के उम्मीदवार भी जो हैं वो निराश ना होए, क्योंकि आप सभी की वेटिंग लिस्ट आएगी, पर कुछ समय आप सभी को वेट करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिना वेट के हुए आप सभी की जो लिस्ट है वो नहीं आ पाएगी। पर दोस्तों, एक सवाल मन में उम्मीदवारों के ये भी बना हुआ है कि सर, हमारी स्कोर कार्ड जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि हम अपने स्कोर कार्ड से यह कंफर्म करें कि किस बेसिस पर यहाँ पर UP NHM डिपार्टमेंट जो है शॉर्ट लिस्ट की है उम्मीदवारों को, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो वह सारे सवाल के जवाब मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ। तो दोस्तों, आप सभी की स्टाफ नर्सिंग की रिजल्ट जारी हुई है, अब उम्मीदवार चाहे वो ANM के हो, चाहे वो LT के हो, चाहे वो स्टाफ नर्स के हो, वो सभी उम्मीदवारों को अब जो है अपनी DV का इंतजार है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस का इंतजार है। तो उसके लिए भी फाइनली जो अपडेट आ रही है वो काफ़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि जब तक DV की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी आप सभी की जो वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर जारी नहीं होगी। तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दूंगा, तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों, आप सभी को पूरी अपडेट बताता हूँ क्या पूरा अपडेट चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले आप सभी की वेटिंग लिस्ट जारी हुई, और वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि हमारी वेटिंग में लाभ नहीं आई। तो यहाँ पर दोस्तों, लगातार जो वेटिंग की जो लिस्ट है वो आप सभी ने यहाँ से डाउनलोड कर पूरे तरह से उम्मीदवारों ने देख चुका है, और देखने के बाद जिस तरह से उम्मीदवार खुश थे, क्योंकि वेटिंग काफ़ी लंबे समय से इस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, और फाइनली जब रिज़ल्ट आने के बाद यहाँ पर उम्मीदवार शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 226 पेजों की ये लिस्ट है जो जारी हुई है। तो यानी कि दोस्तों, जो आप सभी की जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी, तो वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट हाउस के द्वारा जो अपडेट निकल कर आ रही है, पहले दोस्तों मैं DV की बात कर लेता हूँ। DV की प्रोसेस जो सबसे पहले की स्टार्ट की जाएगी वो यहाँ पर दोस्तों की जाएगी आप सभी की वेटिंग को लेकर, यानी कि स्टाफ नर्स की सबसे पहले उम्मीदवारों की यहाँ पर जो है DV के प्रोसेस की कराने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पर जो है स्टाफ नर्सिंग में दोस्तों हैं। तो यहाँ पर जो DV की प्रोसेस है दोस्तों, वो यहाँ पर बताई जा रही है कि जो DV के प्रोसेस है वो यहाँ पर आप सभी के एक नोटिस के माध्यम से 4 या 5 दिनों के अंदर वो नोटिस आएगा, और लगभग जो आप सभी की DV की प्रोसेस है वो यहाँ पर 21 या 22 तारीख से यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट बताया जा रहा है कि लगभग इस समय से जो DV की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, और सबसे पहले यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टाफ नर्सिंग की बताई जा रही है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप सभी के जो स्कोर कार्ड हैं वो यहाँ पर कब तक आएंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 31 तारीख तक जो डेट था वो डिक्लेयर कर गया है, और सारे उम्मीदवार ANM LT फार्मेसी के जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी ने अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। तो स्कोर कार्ड को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट हाउस की तरफ से जो अपडेट किया गया है, आज सुबह की अपडेट बताई जा रही है कि स्कोर कार्ड जो है वो 10 जनवरी या 12 जनवरी के बीच में इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस के माध्यम से आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा, या मेल के माध्यम से आप सभी को ये अपडेट कर दिया जाएगा यहाँ पर दोस्तों। अब दोस्तों उम्मीदवार यह भी सोच रहे हैं कि जो इसकी कटअप है वो क्या गई है, तो दोस्तों कटअप का एग्जैक्टली यहाँ पर जो है अभी अपडेट नहीं हो पाए, क्योंकि काफ़ी जो नंबर है उम्मीदवारों के वो यहाँ पर नहीं निकल कर आ पाए हैं, क्योंकि उम्मीदवार इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा शौक है कि इतने नंबर पर भी हमारा यहाँ पर नहीं आया। पर दोस्तों मैं आपको यह चीज़ का पूरे तरह से एक अपडेट दे दूं, क्योंकि जो इसकी वेटिंग है वो यहाँ पर कन्फर्म है, आप यह 100% आप ये कन्फर्म रखें कि जो इसकी वेटिंग है वो पूरे तरह से यहाँ पर दोस्तों जो कन्फर्म है, क्योंकि हर तरह से उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जिसमें कि आप देखते हैं कि हर कैटेगरी वाइज, हर पोस्ट वाइज, हर प्रोग्राम वाइज आप सभी को यहाँ पर जो है अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी वेटिंग आएगी, और आप सभी को थोड़ा सब्र रखना है, क्योंकि इसके बारे में जल्द से जल्द ऑफिशियली अपडेट लेकर आप सभी के सामने आऊँगा।
और दोस्तों पूरे तरह से बताऊंगा कि इसकी वेटिंग आए आने की जो चांसेस हैं वो कितने प्रतिशत हैं और कितने समय तक इसकी जो वेटिंग है वो यहाँ पर दोस्तों जारी होगी। क्योंकि दोस्तों आप सभी पूरा विश्वास रखें क्योंकि इसकी वेटिंग आना बिल्कुल ही कन्फर्म है, क्योंकि बहुत उम्मीदवार इस शॉर्टलिस्टेड होने के बाद भी जो कैंडिडेट इतने अच्छे नंबर पर या जो कटअप के जो आंकड़े आ रहे थे वो आंकड़े पर काफ़ी उम्मीदवार उतर रहे थे, पर इस लिस्ट के जारी होने के बाद सारे उम्मीदवार स्वाक हो चुके हैं कि इतने नंबर पर भी हमारा जो है रिजल्ट नहीं हो पाया है। तो दोस्तों चिंता नहीं करना है, वेटिंग के लिए आपको जल्द ही गुड न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो बस आपको यही करना है कि हमारे चैनल स्टडी रूम को सब्सक्राइब कर लेना है, NHM डिपार्टमेंट से हर एक अपडेट आप सभी को DV प्रोसेस को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी अपडेट आप सभी को दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।